वालेकुम। भाई सलाम अलैकुम। ये बेचारे यही थे, इन्होंने बहुत हेल्प की अपने। यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसको सीरियसली लेना चाहिए। मैंने एक बात ज़रूर कहा कि इतना कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर शमीम खान, देखिए मुझे कैसे हुआ वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के उन्होंने हमको 14 यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था किचन कम्युनिटी सेंटर स्टार्ट किया था। अल्लाह का एहसान है, उससे हमें कोई वो नहीं कि हमने ये क्यों किया। हम इंशाल्लाह ताला कल अच्छे होकर के भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होकर हम आ गए हैं। अब हमारा जो भी क्वारंटाइन का टाइमिंग है उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम निकलेंगे लोग खिदमत के लिए, लेकिन सोशल डिस्टेंस बना के अगर नहीं रखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे हुआ तो मुझे क्या मालूम था कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, ये बीमारी मेरे बॉडी में आ चुकी है। तो अगर मैं जानता तो मेरे बच्चों को क्यों देता था, उस चीज़ को फैमिली को क्यों देता था, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं था और वो चीज़ फैमिली में हो गई। तो मेरा यही कहना है अगर किसी को बुखार भी आए, किसी को कुछ भी ऐसी तकलीफ़ हो, कोई सेंटेंस लगे, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी जो भी कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसका रिपोर्ट ज़रूर चेक कराएं। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, आमीन। और उनकी मोहब्बत मुमरा कौसा और कलवा में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में एक एक कोने में लोग उनको जानते हैं और लोग उनसे प्यार करते हैं। अल्लाह का एहसान है, उनके लिए बहुत दुआएं हो रही है, हम सब लोग दुआ कर रहे हैं और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है वहाँ तक लोगों से मैं अपील करता हूँ कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब को, हमारी भाभी रोता अवार्ड को, आनंद प्रातपे साहब और जो हमारे परिवार के लोग जो एडमिट हैं उन सब के लिए आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करें। माह रमज़ान का मुकद्दस महीना भी चल रहा है, उसमें दुआएं करें और अल्लाह से ये दुआ करें कि हमारे नेता और हमारा पूरा परिवार, ये जो लोग हैं, ये लोग बहुत जल्द अपने घर पर पहुँच जाएँ। ये मैं आपके माध्यम से इस बात की अपील करता हूँ। और एक बात और कि जब मुझे हॉस्पिटलाइज होना था उस वक्त मेरे कुछ साथियों ने और हमारे बड़ों ने जो लोगों ने, मैं थोड़ा सा टेंशन में ज़रूर आया था, उसके बाद कुछ लोगों ने जो मदद किया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, विकनेम करना चाहता हूँ। और जो लोगों ने हमारे लिए दुआएं दी है मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरे जहाँ तक मुझे सऊदी दुबई और कुवैत से भी कॉल आए और यूपी से भी कॉल आए, महाराष्ट्र से भी, मतलब हर जगह से, मैं तमाम अपने उन चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएँ की। अल्लाह ने उसे कबूल फरमाया और मैं आज आपके बीच में हूँ। और जब मैं हॉस्पिटलाइज होना था तो मैं बहुत परेशान था उस वक्त। मेरा दोस्त, मेरा भाई डॉक्टर शाह और नजीब मुल्ला साहब जिन्होंने मुझे हॉरिजन में एडमिट कराया, सैयद अली असरफ भाई साहब और पप्पू एहतशाम भाई, गुड्डू खालू, जावेद मेडिकल, शुएब खान, जफर नुमानी, ऐसे मेरे बहुत सारे साथियों ने और हमारे सोसाइटी के चेयरमैन सब्बीर भाई और हमारे बहुत सारे लोगों ने, मतलब मुझे बहुत हौसला बख्शा है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला का बहुत लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बात आपने पूछा जितेंद्र अवार साहब के बारे में, हकीकत में ना मैं ज़रूर अपने घर आया हूँ, लेकिन मुझे जब मैं निकल रहा था हॉस्पिटल से या मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे अगर कोई, मतलब मुझे कोई दर्द होता था या होता है दिल में, तो वो नाम जितेंद्र अवार साहब का है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, जो कम्युनिटी किचन सेंटर चालू किया। देखिए बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट्स किए हमारे बारे में, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप आज देश और दुनिया ऐसी मोड़ पे खड़ी है, ऐसी हालात पे खड़ी है और आप गलत कमेंट्स करते हैं, ये अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा इन चीज़ों को। ऐसे वक्त में आपको दुआएं करना चाहिए, लेकिन आप गलत कमेंट्स करके शायद पॉलिटिकल बदला लेते हैं तो पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, इसके बाद भी होती रहेगी, लेकिन ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है। ये वक्त वो है कि हम सब देश और दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए, हम लोग एक दूसरे के लिए दुआएं दें, एक दूसरे के लिए प्यार बांटें, एक दूसरे के लिए, रमज़ान महीना चल रहा है, गरीबों के लिए, मुस्तहिक के लिए,
हमारे पास जकात का पैसा हो, हमारे पास जो पैसे हो, उन हम गरीबों को दें। ये मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूँ जो सिर्फ राजनीति की बातें करते हैं। इंसानियत कामदार साहब, मैंने कहीं कमेंट में देखा था कि आपने लिखा था उसके अंदर कि युवक किसी पर मजाक करने का नहीं है, तो हकीकत में युवक मजाक करने मजाक मुझे भी किया गया था कामदार साहब, मजाक मेरे नाम पर भी किया गया, लोगों ने किया कुछ लोगों ने, लेकिन अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं अल्लाह उनको हिदायत दे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबके लिए दुआएं करें और ये दुआ करें हम सब लोग मिलकर के, रमज़ान का महीना चल रहा है, मुबारक महीना चल रहा है, कि अल्लाह ताला पूरे दुनिया से ये जो कोरोना वायरस का एक बीमारी चल रही है इससे हमको निजात दे। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ गो हूँ और अल्लाह ताला से इस बारे में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन बीमारियों से हम सबको हिफाजत रखें।